भाई व्यू देखो यार, व्यू क्या मस्त है। सो अभी मैं मॉल रोड के उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर थ्री इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा दूसरा दिन है। चंडीगढ़ से मैं शिमला में शोगी के लिए निकल गया हूँ और अभी बीच में इधर रुका हूँ खाने के लिए। तो 3 घंटे की जर्नी कवर करने के बाद यहाँ पर एक गेना ढाबा है, तो आप वहाँ रुक के खा सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाइन से आपको दुकान, मेडिकल एन या और भी कुछ लेना है तो ले सकते हैं। और भैया सोचते भैया ये जगह का नाम क्या है? कसौली चौक। कसौली चौक में हॉल्ट लिया हूँ और अभी इधर से मैगी खाऊंगा। और यहाँ पर ऐसे आपको रास्ते में बहुत मिल जाएंगे, तो आपको 50 रुपीज में मैगी, तो आप और बजट में आप अपना काम कर सकते हो। अगर आपको ढाबे पे भी खाना है तो भी खा सकते हो। अपनी 2 मिनट वाली मैगी रेडी हो गई है, अभी मैं खाने जा रहा हूँ। हाँ, एक बात और, अगर आप है ना ट्रैवल कर रहे हो और आपको यानी चक्कर आता है, इशू है, तो आप लाइट ही कुछ खाएं। और है ना पहले एक मेडिसिन ले लें चलने से पहले, और लाइट खाएं रास्ते में, क्योंकि रास्ता बहुत आड़ा टेढ़ा है। तो आपको कोई इशू है, फोबिया कुछ नहीं है, तो आप बिंदास जो खाना है मेरे ख्याल से, तो आप लाइट ही कुछ खाएं तो सही रहेगा ट्रैवलिंग में। तो इसलिए अभी हम सोचेंगे एक लाइट मैगी, फिर वहाँ पहुँच के अच्छे से खाएंगे। आगे अभी शोगी में पहुँच के मैं आपसे बात करता हूँ। फाइनली अभी हम लोग सोगी पहुंच गए और ये हमारा वाटिका रिसोर्ट। और मुझे और भी हमारे यूट्यूब भाई मिले। हाँ, मेरा नाम गुरदीप है और मेरी खुद की डांस अकेडमी है, गुरदीप सिंह अकेडमी, और मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। बट हाँ, मैं इनसे मिला, मेरे को पता चला बहुत, मतलब ये मैं इनको व्लॉग बनाने आया था और ये कहते हैं हम भी व्लॉगर्स हैं और इन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी अपनी, और अब मेरा भी शॉट ले रहे हैं भाई, बताएंगे। बहुत अच्छा लगा, यानी इस टाइम मैं ऑलरेडी 10 ईयर पहले आया था, तब व्लॉगिंग तो नहीं थी, तो अच्छा लगा भाई मिल गया। अंकित है भाई, अंकित भी अपने बारे में बताएंगे। मैं पटना से हूँ एक्चुअली, और मैं मतलब पिछले 2-3 सालों से यूट्यूब कर रहा हूँ, और लगभग मतलब पूरा इंडिया तो घूम ही चुका हूँ, उसके अलावे नेपाल, भूटान एंड करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान। इसके बाद मेरा ट्रिप है साउथ ईस्ट एशिया का नेक्स्ट मंथ, जो कि लगभग वहाँ पे 12-13 कंट्री है कवर करना है एज ए सोलो। और मैं मतलब हमेशा सोलो ट्रैवल करता हूँ। मैं भी ब्लॉगर हूँ वैसे। अच्छा अच्छा, एग्रीकल्चर और फार्मिंग, और जो आजकल एक नया वर्ड चला है परमा कल्चर, ट्रैवलिंग और परमा कल्चर इकट्ठा हो रहा है। जैसे हम लोग अभी यहाँ आए हैं तो आप देखेंगे कि नेचर का नजारा लेने आए हैं, तो बेसिकली आई डिजाइन फार्म्स। तो मैं जितने भी जहाँ डिजिटल दुनिया खत्म होती है, तो वहाँ से हमारी दुनिया शुरू होती है। पहले जो एग्रीकल्चर थी, पहले क्या होता था कि लोग जहाँ रहते थे उसके अराउंड वो बहुत सारी चीजें करते थे, तो फार्म का मतलब वो है। अभी फार्मिंग और रहना इकट्ठे अलग अलग हो गए, तो हम लोग डिजाइन करते हैं इन द सेंस कि चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो फार्मर्स फील्ड हो, चाहे कोई, जैसे अभी अमेज़न आपने देखा, हाँ, तो अमेज़न का जो हेडक्वार्टर है वो सिएटल में है, और अमेज़न का जो हेडक्वार्टर है उसको अमेज़न स्फीयर बोलते हैं। तो वहाँ का जो सारा डिजाइन है वो एक रोन गिलियाडो ने किया, विच इज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट, विच आई एम ऑल्सो अ हॉर्टिकल्चरिस्ट। ओके, यस, हॉर्टिकल्चर। उन्होंने 40,000 पौधे लगाए हैं। अभी बैंगलोर एयरपोर्ट अभी वो लॉन्च हो रहा है, तो वहाँ भी उसका फीचर ये है कि जितनी, बिकॉज बैंगलोर इज अ गार्डन सिटी, यस, गार्डन, एंड इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिमिनिश्ड, यस, तो उन्होंने फिर से एयरपोर्ट को रीस्ट्रक्चर, हाँ, रीडिजाइन, तो वहाँ इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं, सो दैट व्हेन यू एंटर द बैंगलोर यू कैन हैव अ फील दैट इट्स अ गार्डन सिटी। ओके, सो दिस इज आल्सो हॉर्टिकल्चरिस्ट, बट मेरी फील्ड कुछ चेंज हो गई थी पढ़ने के बाद, पढ़ा कुछ और किया कुछ और, हाँ ऐसा हो गया। This water's clear, yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather to stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. और ये मेरी रूम की बालकनी से व्यू है। It's very beautiful. वाटिका रिसोर्ट। तो ये हमारे सुनील सर यहाँ रुके हुए हैं, इमादुद्दीन भी है, और इमादुद्दीन भी है यहाँ पर, इनको पूरा कॉटेज मिला हुआ है। हम लोग वाटिका रिसोर्ट में रुके हुए थे, अभी वहाँ से एक नीचे ट्रैकिंग थी पॉइंट की, तो वो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। तो कुछ ही ऐसा रास्ता है,
ये अपने इमाद भाई आगे चप्पल पे इनके भाग रहे हैं। और वहाँ पर यहाँ से तो गोप्रो से दिखेगा नहीं, लोग बहुत नीचे। क्या ही व्यू है हिमाचल शिमला का। सोगी में है अभी हम लोग। तो ये कुछ व्यू है। ये व्यू देखो यार, व्यू क्या मस्त है। पहाड़, पहाड़ के ऊपर घर, पूरा शिमला उधर। और देख रहे हो क्या अमेजिंग ब्यूटीफुल व्यू है यार। आप लोगों को निकलना चाहिए टाइम निकाल के, और सोलो नहीं तो ग्रुप, यानी टाइम निकाल के आना चाहिए, दो तीन दिन घूमना चाहिए। यानी जगह अपने इंडिया में बहुत सारी अमेजिंग जगह है। मेरी वीडियो के थ्रू आप देख सकते हो वर्चुअल, और आप आके घूम भी सकते हो। तो अभी शाम के 6 बज गए और हम लोग ट्रैक करके आ गए 2 किलोमीटर का। और ये मेरा रिसोर्ट है, और ये यहाँ पर ये व्यू पॉइंट जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि अभी सनसेट होने वाला है। तो यहाँ से वो तो पेड़ के बीच में थोड़ा सा सनसेट होगा, लेकिन ये व्यू जो है और सन का जो वो शेडो है ना, क्या मस्त लग रहा है, एकदम बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और ये क्लाउड्स के कलर्स क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं यार। और ये व्यू है अमेजिंग ब्यूटीफुल। This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. Gira, tujhko pukare teri parchhaiyan re kabira maan ja। अभी हम लोग जो है अपने रिसोर्ट के टेरेस पे है, और अभी पीछे सनराइज हो रहा है। ये है कुछ व्यू मॉर्निंग का। मुंबई से आते हैं ना, उनको ज़्यादा ठंडी लगती है, क्योंकि मुंबई में जो है टेम्परेचर ऑलमोस्ट 18-20 रहता है, वही ज़्यादा रहता है इस बार तो। और अभी तो यहाँ पर 7 है। और सिर्फ एक बात ये बोलनी थी कि ये सोगी प्लेस है, और यहाँ से जो शिमला मॉल रोड है वो लगभग 1 घंटे का रास्ता है। ये प्लेस जो है वो हनीमून्स के लिए बेस्ट है, फैमिली के लिए है, कि जैसे कि आपको थोड़ा यानी बाहर आउटसाइड में रहना है, माउंटेन्स के बीच में एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है, क्योंकि यहाँ से मॉल रोड 45 मिनट, यानी आप एक दिन तो एटलीस्ट स्टे करके नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं शिमला में हूँ और शिमला के मॉल रोड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा व्यू है शिमला के मॉल रोड का। सो भाई अभी करते हैं शिमला का मॉल रोड एक्सप्लोर। और अभी हम लोग यहाँ से आए थे ये वाली रोड से, और यहाँ पर जाएंगे अभी। आई गेस यही रोड से जाना हमको। तो कौन से? नीचे वाले रोड से नहीं, ऊपर से जाएंगे। ऊपर से नीचे रास्ता भी है। रास्ता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि थ्री इडियट मूवी की वो शिमला वाली शूटिंग कहाँ हुई थी, वो पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ। ये व्यू है शिमला का मॉल रोड से। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग। अभी हल्की हल्की बारिश हुई थी, आई होप के स्नोफॉल गिरे थोड़ा टाइम बाद। हाँ, नहीं गिरेगा। और ये फेमस अट्रैक्शन इन शिमला, यहाँ लोग सेल्फीज ले रहे। और वो रहा अपना भारत का झंडा जो लहरा रहा है।
सो अभी मैं मॉल रोड के उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर थ्री इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। मेरे पीछे देख सकते हैं आप वो चर्च और वो जगह जहाँ पर वो ऊपर शूटिंग हुई थी, अभी मैं वहाँ जाऊँगा। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है, काफ़ी लोग हैं, पब्लिक है यहाँ पर। और लेफ्ट साइड पे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू है और यहाँ पर फाउंडर ऑफ हिमाचल डॉक्टर वाई एस परमार जी का, और मेरे पीछे का भारत का झंडा जो कि अपनी शान के साथ लहरा रहा है और हमेशा लहराए ऐसे ही। यहाँ पर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर पॉपकॉर्न, यहाँ पर जूसेस है और यहाँ पर सॉफ्टी वगैरह है, आइसक्रीम वगैरह, और नीचे भी कई बहुत सारी दुकानें हैं। अभी हम यहाँ से चर्च से नीचे मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर शॉपिंग की बहुत सारी दुकानें हैं, पश्मीना शॉल और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी हम लोग कुछ खाएंगे भी। अभी हम लोग ने यहाँ से फ्राइज और स्वीट कॉर्न ऑर्डर दे दिया है, फिर उसके बाद आगे सॉफ्टी वगैरह देखेंगे, ट्राई करेंगे और क्या क्या खाने मिलेगी। भाई थोड़ा शॉपिंग भी करना है अपने को। हाँ शॉपिंग भी करना है, इमारत को कुछ लेना भी है और यहाँ पर सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको। तो भाई ये ऊपर चर्च दिख रहा है, लापिनो पिज्ज़ा, यहाँ आपको बहुत सारी ब्रांड्स मिल जाएगी शॉपिंग के लिए। सो आपको शॉपिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो स्केचर्स है, पेपे है और वैन यूसेन है, और यहाँ पर सब ऑफर्स भी है, अगर आपको कुछ पसंद आता है तो ले सकते हैं। बाकी यहाँ की लोकल शॉप्स भी है और यहाँ पर तो थोड़ी कम है, और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको और भी दुकानें मिलेंगी लोकल्स, तो आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. भाई यहाँ का केक बहुत जबरदस्त था, एक केक ट्राई करेंगे मैं और इमाद आफ। और यहाँ से भी आप ऊपर चर्च के लिए जा सकते हैं, रास्ता है, और यहाँ से भी, यानी आपको पूरा दिन नहीं, एक दो घंटे में एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। दो घंटा कम है, कम से कम 3-4 घंटे। हाँ अभी हम लोग एक ही रोड पे गए। सो आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये लोकल मार्केट है, यहाँ से आप लोकल बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं। और ये ऊपर से जो है यहाँ ब्रांडेड, और ये इधर नीचे जो है वो लोकल। तो देखो लोकल बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी आपको, देखो सारी पब्लिक यहाँ पर नीचे है शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ और अभी हम लोग भी जाके थोड़ा देखेंगे, ये थोड़ा सा रीजनेबल मिलेगा आपको यहाँ पर। ऑल रोड घूम के हम लोग खा के केक वगैरह सैंडविच वगैरह खा के अभी उतर के यहाँ पार्किंग के इधर है, अभी यहाँ से बस स्टॉप पे जाएंगे, मनाली के लिए निकलेंगे। और यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ का टेम्परेचर पता नहीं कितना, 5-6 भाई 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री, हाँ, 4 डिग्री, 4 डिग्री हो गया, ऐसा लग रहा है स्नो बारिश हो सकती है। हाँ स्नोफॉल हो सकता है, पता नहीं। बाकी तो पीछे ये शिमला का पूरा व्यू देखो आप,